आज जनउत्थान रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के शुभ कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता व माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है रोहतक एलिवेटेड ट्रैक और रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत का उद्घाटन एवं पुलिस आवासीय परियोजना का शुभारंभ और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास। दृढ़ संकल्प और इरादे हैं नेक, जिसकी मिसाल है बना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक। ये हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रोहतक एलिवेटेड ट्रैक भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली और अनूठी संरचना है, जिसके अंतर्गत 4.85 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण किया गया, जिसमें 2 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड व पुल के रूप में शामिल है, साथ ही जिसके दोनों तरफ रैंप का निर्माण भी किया गया है। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण से आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा रोहतक शहर में रेलवे फाटक बंद होने पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पैदल राहगीरों का भी ध्यान रखा गया है। एलिवेटेड ट्रैक के रूप में भारतीय रेलवे की एक स्मार्ट शुरुआत रोहतक से हुई है। जन सरोकारों को मिली नई धार, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत ने खोले संभावनाओं के कई द्वार। इस कारखाने की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में रखी थी। 535 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और 161 एकड़ क्षेत्र में फैला ये कारखाना 90 से अधिक आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। इस कारखाने में ऊर्जा संरक्षण और हरियाली के उपाय भी किए गए हैं, जिसके लिए विभिन्न शेड की छतों पर 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 20,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। कारखाने में 100 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण करने की भी योजना है। इस परियोजना ने रोजगार सृजन के नए द्वार खोले हैं। ढांचागत विकास की श्रृंखला में आज गुरुग्राम के भोंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित 576 बहुमंजिला पुलिस आवास इकाइयों का भी लोकार्पण हो रहा है। लगभग 105 करोड़ की लागत से निर्मित इस आवासीय परियोजना की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला एक नायाब तोहफा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत तक सुहना, मानेसर और खरखौदा के रास्ते 126 किलोमीटर लंबी विद्युत रेल कॉरिडोर परियोजना है। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इस परियोजना को दो चरणों में पहले मई 2024 और फिर दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देगी, साथ ही इसके तहत आधुनिक कंप्यूटर रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा, जिससे एनसीआर के सभी महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को उच्च गतिशीलता और कनेक्टिविटी मिलेगी और पंचग्राम टाउनशिप के विकास में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों को चलाने में मदद मिलेगी और निर्माण अवधि के दौरान 76 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीदों का प्रदेश हरियाणा, जन जन के सरोकारों से जुड़े सपनों को साकार करता हरियाणा।